हेलो न्यू होम बाय, मैं पंकज अतास आज आपके लिए लेकर आया हूँ 2540 स्क्वायर फीट का 3BHK जो कि स्पेशियस अपार्टमेंट रहेगा। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो रहेगा ये ओल्ड सिंधु भवन रोड है, सिंधु भवन रोड से ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे आएगा आपका ये 3BHK अपार्टमेंट। पजेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट जो है वो रेडी है, विद इन 2-3 मंथ्स आपका पजेशन भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ फिनिशिंग लेवल जो है वो अभी चल रहा है। और ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो सिर्फ 2 ही टावर है इसमें, ए और बी टावर। ए टावर जो है वो बेसिकली उसमें 1 फ्लोर पे 2 यूनिट है और बी टावर के अंदर 1 फ्लोर पे आपके 4 यूनिट्स आ जाएंगे जो कि स्टैंडर्ड अपार्टमेंट की जो फैसिलिटीज होती है उसी हिसाब से रहेगा। इनके साथ साथ अमेनिटीज भी बात करें तो अमेनिटीज भी इसमें आपको काफ़ी सारी मिलने वाली हैं। अभी अपने 3BHK अपार्टमेंट के सिंपल हाउस के अंदर है। सिंपल हाउस रिवील करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है पूरे अहमदाबाद के इस सिंपल हाउस को एक्सप्लोर करने में, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो सिंपल हाउस है वो किस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे ही अपने एंटर करते हैं ये आ गया आपका जो वेस्टिब्यूल एरिया, और वेस्टिब्यूल एरिया बेसिकली काफ़ी स्पेशियस है। इतना वेस्टिब्यूल एरिया नॉर्मली दूसरे अपार्टमेंट्स में नहीं मिलता। ये ऑलमोस्ट 12 फीट बाई 6.5 फीट की साइज वाला आपका वेस्टिब्यूल एरिया है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आ जाएगा ऑन माई राइट हैंड साइड आपका फर्स्ट बेडरूम जो है वो काफ़ी स्पेशियस है। आपका 11 फीट बाई 15 फीट की साइज वाला प्रॉपर आपका बेडरूम आ जाएगा। यू कैन कंसीडर दिस एज योर गेस्ट रूम या फिर आप अपने हिसाब से आपके पेरेंट्स के बेडरूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। किंग साइज बेड आराम से आ जाएगा, वो तो स्पेस भी आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। और ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आ जाएगा आपका वेंटिलेशन के लिए फुल साइज फ्रेंच विंडो दिया हुआ है, तो वेंटिलेशन का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये जो गेस्ट बेडरूम है इसमें आपको अटैच वॉशरूम दिया हुआ है। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो 3BHK है और 3BHK में 3 बेडरूम के साथ साथ 3 अटैच वॉशरूम तो रहेंगे, लेकिन एक आपको साथ में पाउडर रूम भी इसमें दिया हुआ है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो ये आ जाएगा आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया जो कि काफ़ी स्पेशियस है। ऑलमोस्ट 23 फीट बाई 17 फीट की साइज वाला ये प्रॉपर लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस रहेगा जो कि प्योर रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है जो कनेक्ट कर रहा है आपका सीधा किचन के साथ। किचन जो है यहाँ पर 12 फीट बाई 8 फीट की साइज वाला आपका प्रॉपर आई शेप के अंदर किचन दिया हुआ है। ब्लैक ग्रेनाइट टॉप यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। नीचे मॉड्यूलर किचन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और एक चीज़ जो कि हमने नोटिस किया है यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पर भी आपको एक अलग से विंडो दिया हुआ है। नॉर्मली किचन जो है वहाँ पर विंडोज उतनी अवेलेबल नहीं होते, लेकिन ये एक पार्ट यूनिक पार्ट इसमें रहेगा। चिमनी के लिए यहाँ पर अलग से स्पेस दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से स्टोरेज ऊपर भी कर सकते हैं और यहाँ पर सेपरेट आपका स्टोर रूम दिया हुआ है। वॉशयार्ड की बात करें तो ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपका प्रॉपर फुल साइज वाला वॉशयार्ड भी आ जाएगा। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि 2540 स्क्वायर फीट यानी स्पेशियस 3BHK अपार्टमेंट है, तो आपको स्पेस की कहीं ना कहीं कोई भी कमी होने वाली नहीं है। और लिविंग एरिया जो कि रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है, लिविंग एंड डाइनिंग जो कि डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है आपका बालकनी के साथ। बालकनी की बात करें तो 13.5 फीट बाई 5.5 फीट की साइज वाला आपका ये प्रॉपर फुल साइज बालकनी रहेगा। और यहाँ से आपका गार्डन, आपको कॉमन अमेनिटीज वाला जो गार्डन है वो यहाँ से दिखेगा। फिनिशिंग लेवल का काम अभी चल रहा है तो रेलिंग्स वगैरह डलना बाकी है, लेकिन विद इन 2 से 3 महीने में आपका पजेशन जो है वो आपको रेडी मिल जाएगा। अब चलते हैं दूसरे बेडरूम में और देखते हैं कि दूसरे बेडरूम की जो साइज़ क्या है। और जैसे मैंने आपको बताया था 3 बेडरूम हैं 3 बाथरूम है जो कि कॉमन जो कि अटैच वॉशरूम रहेंगे, और एक आपको पाउडर रूम यहाँ पर दिया हुआ है और बेसिन स्पेस भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये है बेसिकली आपका सेकेंड बेडरूम जो कि यू कैन कंसीडर दिस एज योर चिल्ड्रंस बेडरूम। 11 फीट बाई 13 फीट की साइज वाला ये आपका किड्स बेडरूम आ जाएगा जो कि आपका सेकेंड बेडरूम है। इसमें भी आपको अटैच वॉशरूम ऑफकोर्स मिलने वाला है। और बेड की इस बात करें तो किंग साइज बेड आप आराम से लगा सकते हैं, फोटो स्पेस अलग से दिया हुआ है और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए फुल साइज फ्रेंच विंडो भी दिया हुआ है। अब चलते हैं मास्टर बेड में और देखते हैं मास्टर बेड की साइज आपको क्या मिलती है। मास्टर बेड की जो बात करें तो 12 फीट बाय 15 फीट की साइज वाला आपका ये फुल साइज मास्टर बेड रहेगा। वुडन फ्लोरिंग ऑफकोर्स इसमें आपको मिलने वाला है और किंग साइज बेड के साथ वॉटर स्पेस और आपका वेंटिलेशन के लिए फुल साइज फ्रेंच विंडो यहाँ पर दिया हुआ है। और ऑफकोर्स इसमें अटैच वॉशरूम आपको मिलने वाला है और वॉशरूम की साइज भी यहाँ पर काफ़ी स्पेशियस दी हुई है। सो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 2540 स्क्वायर फीट की साइज वाले 3BHK एक्सक्लूसिव 3BHK अपार्टमेंट्स है इसमें। और कमर्शियल जो है
कमर्शियल कोई भी शॉप या शोरूम इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो एक्सक्लूसिव 3 BHK ही रहने वाला है, यानी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ही रहने वाला है। सो एज सच आपको कोई कमर्शियल एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटी का न्यूशंस आपको इसमें नहीं होने वाला है। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने बताया था आपको कि रेडी टू मूव इन विद इन 2-3 मंथ्स ही पोजेशन आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप पेमेंट करते हो आपका तुरंत पोजेशन होने वाला है। यूनिट्स की बात करें तो ओवरऑल जो है 54 यूनिट्स ही इस प्रोजेक्ट के अंदर है, तो क्राउड भी आपको उसी हिसाब से मिल जाएगा और बिगर साइज का 3 BHK है, तो बजट वाइज भी आपका ये ऑलमोस्ट 2 करोड़ के अंदर आपका 3 BHK हो जाएगा। सो इस प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए ऑफकोर्स आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज आता सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।